नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इसके के और आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे फ्लेक्सी में किसी भी नाम को कटिंग कर सकते हैं और कैसे उसका साइज देना है, कैसे मतलब हर स्टेप में आपको सिखाऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कभी फ्लेक्सी नहीं चलाए हैं या पहली बार ये फ्लेक्सी सॉफ्टवेयर चला रहे हो। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है और जो भी ये वीडियो देख रहा है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप पूरी स्टेप बाय स्टेप सीख जाए। इसमें मैं आपको फाइल बनाना भी सिखाऊंगा, सेव करना भी सिखाऊंगा और कैसे कोई भी नंबर भी कटिंग करते वो सब कुछ सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले अगर आप इसमें कुछ कटिंग करना चाहते हैं फ्लेक्सी में, तो सबसे पहले एक टूल होता है टेक्स्ट टूल। वो कहाँ पर होता है पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। आप जो साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी लिखा हुआ है, इसको टेक्स्ट टूल बोलते हैं। अब इस पर जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपको ये टाइपिंग का ऑप्शन देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं कीबोर्ड से कोई भी वर्ड टाइप करूँगा तो यहाँ पे शो होगा। तो फिलहाल मैं कुछ टाइप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या शो होता है। देखिए मैंने टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है। अब आपने तो टाइप कर लिया, अब इसको कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए किसी भी डिज़ाइन को सबसे पहले तो सेलेक्ट करना होता है कि आप किस डिज़ाइन को कटना चाहते हैं। तो सेलेक्ट कैसे करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है सेलेक्ट टूल। वो कहाँ पे होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है कॉर्नर पे, ठीक है। जैसे अभी टेक्स्ट पे गए थे, इसको बोलते हैं सेलेक्ट टूल। आप इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ऐसे आप करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसे आप साइड में अगर खींचेंगे तो ये लंबा भी हो जाएगा और छोटा बड़ा जो आपका मन करे वो। तो फाइनली अभी आप जो देख सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट टूल की वजह से अभी इसे मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा बड़ा छोटा भी कर रहा हूँ। लेकिन जब भी आप कटिंग करते होंगे तो आपको एग्जैक्ट साइज देना होता है। जब तक एग्जैक्ट साइज नहीं दोगे तब तक कैसे आप कटिंग करोगे, जैसे पता ही नहीं चलेगा कि डिज़ाइन कितना बड़ा है और कितना छोटा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप डिज़ाइन की जो साइजेस है वो कैसे दे सकते हो। आप देख सकते हो साइड में एक ऑप्शन है डिज़ाइन सेंट्रल का, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो साइड वाला ऑप्शन है इसे बोलते हैं डिज़ाइन सेंट्रल। यहाँ पर जो ऊपर के दो कॉलम है उसमें, ये ऊपर वाला दो कॉलम, इसमें आप साइज दे सकते हैं, एक तो लेंथ और दूसरा हाइट, ठीक है। तो फिलहाल मैं लेंथ, और साइड में आप देख सकते हैं IN लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी साइज आप इसमें दोगे वो इंचेस मिलेगा, ठीक है। साइज आप जो भी दोगे वो इंचेस मिलेगा। तो फिलहाल मैं मारता हूँ 10x2 इंची, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने 10x2, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ तो 10x2 मारा था लेकिन ऑटोमेटिकली 5.886 ले लिया। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आती है तो ये देखिए इसे आप कैसे ठीक करोगे। तो वापस मैंने 10 मारा तो आप नीचे देख सकते हैं 3.39 ले लिया। तो इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। नीचे एक टीक लगा हुआ रहता है प्रोपोर्शनल में, इसको आपको हटा देना है। जैसे आप इस पर हटा दोगे वैसे ही आप जो भी साइज दोगे वो साइज ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो फाइनली अभी 10 इंचज है, अब मैं नीचे 2 इंचज डालूंगा तो देख सकते हैं कि अभी जो मैं साइज दूंगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है इसकी साइज हो गई है 10 इंची बाय 2 इंचज। अब साइज तो मैंने मार लिया, अब सवाल ये होता है कि अगर आप कोई भी डिज़ाइन को कटिंग करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप इस कलर को ब्लैक कलर में काटना चाहते हैं, ठीक है। आप ब्लैक कलर में काटना चाहते हैं तो क्या इसको ब्लैक कलर करना ज़रूरी है? जी नहीं, आप ब्लैक भी कर सकते हो, वाइट भी। आप वॉलेटर में कोई भी कलर चढ़ा सकते हो, बस इसमें आप कोई भी कलर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप इसे रेड ब्लू कुछ भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस स्टिकर जो कलर का चढ़ाओगे उसी में ये कटिंग होगा। तो फिलहाल ही कट करने के लिए ऑप्शन होता है कट प्लॉट, Ctrl+L भी दबा सकते हैं, शॉर्टकट की है। तो फिलहाल इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ एक नया विंडो ओपन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी आएगा, जैसे ये विंडो आएगा इसको प्रोडक्शन मैनेजर बोलते हैं। ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे आ चुका है। अगर आपको इसको कटिंग करना है तो पहले एक बार साइज कन्फर्म कर लेना ज़रूरी है, कि अगर आपने साइज कन्फर्म नहीं किया तो आप कटिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ऊपर के जो दो ऑप्शंस हैं, मेरा माउस से आप देख पा रहे होंगे ऊपर में जो मैंने अभी दो ऑप्शंस दिखाए वहाँ पे देख सकते हैं 10.190 साइजेस लिखे हुए, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है 2.190, जबकि मैंने साइज मारा था 10 इंची बाय 2 इंची, ले लिया रैंडमली, तो ये मशीन ऑटोमेटिकली रैंडमली ले लेता है। तो आप इसको पूरे हद तक तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर मैंने 10 डाला तो नीचे ले लिया 2.149, बस थोड़ा सा मिनिमम क्या बोलते हैं वो थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसको आप रहने दें, इसमें आपको कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। ऊपर एक ऑप्शन होता है देखिए, एक कट का और एक शो का, ये वाला शो मी, तो आपको कट वाला बगल वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके जो मशीन है वो बताएगी कि ये जो डिज़ाइन आप काटना चाहते हो कितने एरिया में कटेगी, वो एक बार शो होगी, कटिंग नहीं होगी, सिर्फ वो एरिया बताएगी, ठीक है। अब फाइनली कटिंग करने के लिए आपको सेंड का बटन दबाना होगा।
तो फाइनली अभी मेरा मशीन मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है, तो अगर मैं अभी सेंड करूँगा तो देखिए क्या होता है। जैसे मैं इस पर सेंड पर क्लिक करूँगा तो ऊपर आप देख सकते हैं कैन नॉट ओपन पॉड का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसा ऊपर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जो मेरी सिस्टम है वो मशीन से कनेक्ट नहीं है, तो ऐसा ही ऑप्शन आता है। अगर कनेक्ट होता तो कैन नॉट ओपन पॉड नहीं आता बल्कि कटिंग हो जाता। फाइनली अब इसे हम डन कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। फाइनली जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक टेक्स्ट बनाया, उसकी साइज़ भी डाली, उसका मेजरमेंट भी किया और उसकी कटिंग भी की। अब सीखते हैं कि आपने टेक्स्ट तो बना लिया, डिज़ाइन तो बना लिया आप लोगों ने, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए आप किसी को तो सिंपल डिज़ाइन दोगे नहीं, किसी के अगर नेम भी काटोगे तो भाई कलरफुल होना चाहिए, कलरफुल बोलता हूँ सॉरी, डिज़ाइन फुल होना चाहिए, मतलब अलग अलग टाइप की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं साइड में ये डिज़ाइन सेंट्रल टूल होता है, इस पर ए लिखा हुआ होता है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नीचे यहाँ ऑप्शन देगा, जैसे अभी मेरा एरियल ब्लैक लिखा हुआ है ये वाला फॉन्ट अभी जो आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जैसे जैसे नीचे जाओगे यहाँ पे आपके बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे। जनरली आपके सिस्टम में जो फॉन्ट होंगे वही सो होंगे, नहीं तो आप अलग से डाल सकते हो। कैसे डालना है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी, तो जाके आप उसे देख सकते हो। तो फाइनली भी देख सकते हो मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया, कैसे किया वो सब कुछ मैं एक बार और आपको बता देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। वापस हम जाएंगे कहाँ पे, ए पे, ठीक है। ए पे जाने के बाद ए पे क्लिक करना है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है, उसके बाद जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है उस पर जाके इंटर मार दीजिए। जैसे आप इंटर मारोगे ये देखिए क्या होने वाला है, मैं भी इंटर मारता हूँ, और जैसे मैंने इंटर मारा आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन आ चुकी है। फाइनली अभी हम लोगों ने ये डिज़ाइन बना लिया। कैसे बना है? सब कुछ आप लोगों ने देखा कि ए में जाना है, सिंपल सा लॉजिक है। अब मारते हैं इसके कुछ साइजेस। फाइनली अभी हम जो साइज़ देंगे वो 10 इंचेस बाय 1.5 इंचेस देते हैं। अभी जनरली अभी जो भी मैं साइज़ दे रहा हूँ वो इंचेस पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली आप कट प्लॉट पे जाएंगे और वापस जैसा मैंने आपको सिखाया कि सेंड करना है और डन करना है। अगर आपको कटिंग करना है तो सेंड दबाइए वरना डन दबाइए। मुझे तो कटिंग अभी नहीं करनी है तो मैंने डन दबा दिया, ठीक है। अब तो ये डिज़ाइन बन चुकी है, कैसे करना है सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया। अब बात करते हैं जूम आउट और जूम इन की, ठीक है। बात करते हैं जैसे मान लीजिए छोटा सा डिज़ाइन है, मुझे इसे जूम करके देखना है, तो इसमें जूम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टूल आता है जिसका नाम है जूम टूल। वो कहाँ पर होता है? साइड के कॉर्नर पर होता है, ये देख सकते हैं ये वाला के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इससे करते कैसे है जूम वो एक बार जरा हम लोग जान लेते हैं, जानना ज़रूरी है, नहीं जानोगे तो दिक्कत की बात है ना भाई। ये देख सकते हैं फाइनली अभी हमने जूम करके दिखा दिया आपको। अगर आपको नहीं करना है माइनस कर दीजिए, प्लस कर सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। कि आपको जहाँ जूम करना है वहाँ जूम कीजिए, आप देख सकते हैं डिज़ाइन को, ठीक है। फाइनली अब वापस मैं आता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें तो सीख लिया, जूम आउट कैसे करना है, जूम इन करना है, बड़ा इजी चीज़ था, सीख तो लिया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ को जो आपको सीखना जरूरी है कि आप किसी भी फाइल को अगर सेव करना चाहें तो उसे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये टेक्स्ट वाला डिज़ाइन बनाया, अब मैं चाहता हूँ कि इसे सेव करूँ तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ वर्ड और भी टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैं भी लिखता हूँ सेव दिस फाइल। और भी कुछ अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। फाइनली मैंने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी मैं आपको इसे सेव करके भी दिखाऊँगा कि फाइनली इसे आप सेव कैसे कर पाओगे, ठीक है। सेव करने के लिए क्या करना होता है, आपको फाइल में जाना है, ऊपर में यहाँ पे ऑप्शन होती है एक सेव एज का, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, ये पूछेगा कि आप सेव कहाँ करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो नीचे जो यहाँ डेस्कटॉप आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा अभी फाइल सेव होगा। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपका मन करे, फाइनली कोई भी नाम हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी नाम देना चाहें जो आपको याद रहे। तो फाइनली मैं अपना नाम ही डाल सकता हूँ, लेकिन सेव रहूँ मैं नाम ही डाल देता हूँ, जनरली मैं नाम ही डाल देता हूँ, सचिन नाम से ये फाइल बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाला, उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। फाइनली मैंने अभी फ्लैक्सी को कट कर चुका हूँ, और मैं वापस से फ्लैक्सी ओपन करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि आप उस फाइल को कैसे वापस से एक्सेस कर सकते हैं और उस डिज़ाइन को आप वापस कैसे ला सकते हो, क्योंकि मैंने तो उसे सेव कर रखा है। सेव मैंने जो नाम से कर रखा है उसी नाम से आपको सर्च करना है। कैसे करना है, फाइल में आपको सबसे पहले जाना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग चलेंगे फाइल में और वापस चलाएंगे हम उस फाइल को, ठीक है। फाइल में गए, यहाँ पे ऑप्शन है ओपन का, जाइए उस पर, वहाँ पे वो नाम सर्च कीजिए जिस टाइम से आपने फाइल बना रखा था। तो फाइनली मैंने जो नाम रखा था वो सचिन था, तो फाइनली हम उसे सर्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं सचिन.fs, ये fs अपने आप ले लेता है, ये एक्सटेंशन है,
ये इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस ओपन पे क्लिक कर दीजिए, ये देख सकते हैं वो फाइल वापस आ चुकी, ठीक है। हमने तो ये फाइल वापस ओपन भी कर लिया, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसमें कुछ और डिज़ाइन मैं इंक्लूड करूँ और मैं चाहूँ कि इसी यही फाइल में सेव हो जाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को वापस मैं इसी में सेव करना चाहूँ कुछ लिख के या फिर कुछ डिज़ाइन बना के, तो कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे उसे फिर से ओपन कर सकते हैं। ओपन करना तो मैंने आपको सिखा दिया। फाइनली अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो बस आपको अपने सिस्टम से कंट्रोल प्लस एस दबाना होगा, या फिर डायरेक्टली कैसे सेव करते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मैं इसमें कोई कलर भी डाल चुका हूँ ताकि आप देख सकते हैं। अब ये कलर डाल के मैं इसे सेव करने वाला हूँ। कैसे सेव करते हैं वापस, जैसा मैंने आपको एक एक प्रोसेस मैंने आपको जो सिखाया सेम टू सेम, फाइल में जाओ, सेव पे क्लिक कर दो या कंट्रोल प्लस एस दबा दो और ये फाइल वापस से सेव हो जाएगी और हम इसे वापस से ओपन करेंगे और देखेंगे क्या फाइल सेव हुई है वही फाइल में या कुछ और हो गया। तो फाइनली फ्लेक्सी मैंने कट कर दिया, वापस से ओपन करते हैं और देखते हैं क्या वो फाइल में वो फाइल सेव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो फाइनली अभी देख सकते हैं कि ये फाइल वापस ओपन हो चुकी है, पूरी ब्लैंक है। वापस से हम उसे ओपन करते हैं। कैसे करना है, फाइल में जाना है, जैसा पहले बताया था, फाइल में जाओ, ओपन में जाओ और यहाँ पे उस फाइल का नाम सर्च कर दो। तो सचिन के नाम से ये फाइल थी, तो ये रहा सचिन fs.fs, बस ओपन पे क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि वापस ये फाइल आ चुकी है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो जो बिगिनर है उसके लिए वीडियो थी, उन लोगों ने सीख लिया तो अच्छी बात है, नहीं सीख पाए तो वापस इस वीडियो को देखें। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और हाँ फ्लेक्सी में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ यार कमेंट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।